Hello students, good morning to all. This video lecture is related to the migration of birds. This is for BSc third year students. Migration of bird is a very spectacular event in the life of birds. Migration, हमें पता है migration is a two-way process जिसमें हम to and from a particular destination से जब movement होती है उसे हम क्या कहते हैं migration. तो माइग्रेशन वर्ड में क्या होता है सिर्फ हम ई माइग्रेशन इज नॉट ओनली द ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन ये आपका किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और फिर वापस लौट के उस जगह पे वापस आना दिस इज अ माइग्रेशन. द वर्ड माइग्रेशन हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड माइग्रेरा विच मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. मैनी बर्ड्स हैव इनहेरेंट क्वालिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर to obtain advantages of favorable conditions. ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे आना. अब दूसरी बात ये आती है कि माइग्रेशन क्यों होता है. माइग्रेशन होने के कुछ वजह हो सकती हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज की रिक्वायरमेंट पे. माइग्रेशन फॉर द प्रोटेक्शन, माइग्रेशन फॉर द ब्रीडिंग एंड माइग्रेशन फॉर द फीडिंग. ये तीन मेन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स में माइग्रेशन होता है. उनको एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल प्लेस चाहिए होता है जो कि उनकी लाइफ के लिए सुटेबल हो. एक्चुअली दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट करने की पावर या कैपेसिटी जो होती है उनमें मैमल्स के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं होती है. इसलिए उनमें एक सेफ अपनी जगह पे जाना उनकी उनके एक कॉज में आता है जो माइग्रेशन के लिए उनको इनिशिएट करता है. दूसरा फॉर फीडिंग एंड थर्ड इज फॉर ब्रीडिंग. ब्रीडिंग जो आस्पेक्ट है, ब्रीडिंग जो रीज़न है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है. जैसे ही गोनार्ड्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, मैच्योरेशन आती है, तो एडल्ट्स में जो है ये माइग्रेशन का प्रोसेस नॉर्मली देखा जाता है. सो इन बर्ड्स द माइग्रेशन मीन्स टू वे जर्नी फ्रॉम द होम टू द न्यू प्लेस एंड बैक जर्नी फ्रॉम द न्यू प्लेस टू होम. ये जो मूवमेंट है एक जगह पे आपको जाना और फिर वापस से आना. द मूवमेंट अकर्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर एंड द बर्ड्स यूजुअली फॉलो द सेम रूट. ठीक है, ये हम देखेंगे. इसमें मोड ऑफ फ्लाइट जो है उसमें आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिलेंगे जिसमें डायरेक्शन रूट जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं. देर इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक विच रेगुलेट दिस फिनोमेना. तो इसका जो बेसिक रीजन है, इसका जो बेसिक कॉज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या माना जाता है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को माना जाता है. बेसिकली ये ब्रीडिंग से रिलेटेड है. जैसे गोनार्ड्स का मैच्योरेशन होता है इट विल टेंड टू बी लीड माइग्रेशन. ठीक है, तो इसमें आप एक्चुअली माइग्रेशन ऑफ बर्ड के दो वीडियो हैं जिसमें हम ये जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे बर्ड्स के माइग्रेशन की, बर्ड माइग्रेशन कितने टाइप का होता है और उसके क्या मोड रहते हैं. सेकेंड जो होगा आपका वीडियो उसमें हम कॉजेज की बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन की बात करेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो थॉमसन गिव्स डेफिनेशन फॉर द बर्ड माइग्रेशन दैट चेंज ऑफ हैबिटेट पीरियडिकली रीअकरिंग एंड ऑल्टरनेटिंग इन डायरेक्शन विच टेंड टू सिक्योर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन एट ऑल द टाइम. कुछ बर्ड्स होती हैं जो अपनी लाइफ में कभी स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस ही नहीं करती हैं. ठीक है, जैसे ही कोई भी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम आने वाली होती है, कोल्ड वेदर आने वाला है, हॉट वेदर आने वाला है, उससे पहले वो अपनी जो भी प्रिफर्ड जो नई जगह होती है वहाँ पर वो जा चुकी होती हैं. ठीक है, तो दे नेवर सीन इन देयर लाइफ कोई भी हजार्ड्स जो है वो अपनी लाइफ में वो फेस नहीं करती हैं. बर्ड माइग्रेशन इज मोर और लेस रेगुलर एक्सटेंसिव मूवमेंट बिटवीन देयर ब्रीडिंग रीजन एंड देयर विंटरिंग रीजन. माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड. तो इस प्रोसेस के बेस पे हम बर्ड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स जिसमें माइग्रेशन का प्रोसेस पाया जाता है. तो मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स हैव इनहेरेंट क्वालिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर टू ऑब्टेन एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन. एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये जो होता है ये आपका फीडिंग से रिलेटेड हो सकता है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल फ्रॉम फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस और ब्रीडिंग हो सकता है. सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. सम बर्ड्स सच एज बॉब वाइट एंड रफर सैंड ग्राउस हाउएवर डू नॉट माइग्रेट एट ऑल एंड दे रिमेन थ्रू आउट द ईयर इन अ कंट्री. मतलब उनमें माइग्रेशन की पावर है, वो फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही जगह पे रह के पूरी करती हैं. तो इस तरह के बर्ड्स को हम कहते हैं रेजिडेंट बर्ड्स. माइग्रेटरी एंड नॉन माइग्रेटरी बर्ड जैसा नहीं है यहाँ पे. माइग्रेटरी बर्ड्स कवर थाउजेंड ऑफ माइल्स
इन देयर पीरियोडिक सीजन जनरली जर्नी. माइग्रेशन इज अ रिमार्केबल डिवाइस टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इन मोर नॉर्थली रीजन ड्यूरिंग द समर्स. माइग्रेशन अकर्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर एंड माई बर्ड्स यूजली फॉलो द सेम रूट. तो ये एक इसकी स्पेशलिटी में आ जाता है कि पर्टिकुलर पीरियड में होता है, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो आपके पर्टिकुलर पीरियड में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया जाता है. टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन अगर हम देखें तो इट मे बी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल और वर्टिकल, पार्शल माइग्रेशन, टोटल माइग्रेशन, वर्गेंट और इरेगुलर माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन एंड डायूरनल माइग्रेशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन. लैटिट्यूडनल माइग्रेशन यूजुअली मींस द मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा, यानी नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ की जो माइग्रेशन है दैट इज लैटिट्यूडनल माइग्रेशन. मोस्ट बर्ड्स लिव इन द लैंड मासेस ऑफ द नॉर्थ टेम्परेट एंड सब आर्कटिक जोन वेयर दे गेट फैसिलिटीज फॉर नेस्टिंग एंड फीडिंग ड्यूरिंग द समर्स. ठीक है, तो जो साउथ में रह रही होती हैं वो बर्ड्स नॉर्थ में कब जाएंगी, नॉर्थ वाली बर्ड्स साउथ में कब जाएंगी, ये डिपेंड करता है स्पीशीज की अपनी रिक्वायरमेंट पे. ड्यूरिंग विंटर व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकम कवर्ड विद आइस एंड स्नो दीज बर्ड मूव टुवर्ड द साउथ फॉर शेल्टर. सेवरल नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन बर्ड्स क्रॉस द इक्वेटर टू स्पेंड विंटर इन द डीपर एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ द समर साउथ एंड अफ्रीका. अमेरिकन गोल्डन प्लोवर की अगर हम बात करें, पासेस द 9 months ऑफ विंटर 8,000 miles south in the plains of Argentina, thus enjoying the 2 summers in each year and knows not a hint of winter. उन्हें पता ही नहीं होता विंटर क्या है, वो समर पूरा उनका जो टाइम है, पूरा जो इनकी लाइफ है, पूरा जो साल है वो इनके समर में निकलता है. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, नॉन ऑपोजिट बट लेसर मूवमेंट ऑल्सो अकर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद सीजन आज चेंज. सम ट्रॉपिकल बर्ड माइग्रेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग रेनी सीजन टू द आउटर ट्रॉपिक एंड रिटर्न टू द सेंट्रल ट्रॉपिक इन ड्राई सीजन. तो ट्रॉपिकल रीजन में आपस में किस तरह से मूवमेंट है. द आर्कटिक टर्न ब्रीड इन द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड माइग्रेट टू एंटार्कटिक अलॉन्ग बोथ साइड ऑफ द एटलांटिक. पेंगुइन्स मेक माइग्रेशन बाय स्विमिंग. एल्टीट्यूड माइग्रेशन. एल्टीट्यूड माइग्रेशन जो है ये आपका माइग्रेशन है माउंटेन रेंज से. ठीक है, लो एंड हाई माउंटेन रेंज. Altitude or vertical migration from high mountain in the summer to low valleys in the winter occur in many Indian and foreign mountain birds. In India, a number of species during summer migrate from plains to slope of Himalayan, ascending thousands of feet above the sea level. ठीक है, तो एक plain region से Himalayan region या किसी भी आपके जो भी altitude जो region है वहाँ तक ये जाएंगी. और इसमें अलग अलग आपके examples हैं. इसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन. लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन ईस्ट वेस्ट माइग्रेशन होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द पेंटागोनियन प्लोवर विजिट द फोकलैंड आइलैंड एंड सदर्न पेंटागोनियन इन द सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर फॉर ब्रीडिंग. पार्शल माइग्रेशन जो होता है ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. देखिए आप इसमें मैनी स्पीशीज सच एज ब्लू बर्ड्स एंड मैनी ब्लू जॉज कैनेडा एंड ऑफ कैनेडा एंड नॉर्दर्न यूएस एंड बैम ओवल माइग्रेट साउथवर्ड टू माइग्रेट विद द सिडेंटरी पॉपुलेशन ऑफ द साउथ ईस्टर्न. दे आर ओनली पार्शल माइग्रेंट. इन सच केसेज ऑल द बर्ड ऑफ ए ग्रुप माइग्रेट डू नॉट लीव द नेटिव लैंड विजिबल थ्रू आउट द ईयर. एक्चुअली दीज पार्शल माइग्रेंट्स बिकॉज द बर्ड विजिबल इन विंटर आर नॉट द सेम एज इन द समर. तो इसमें क्या होता है कि आपका एक बर्ड जो है वो विंटर में जा रहा है. ठीक है, दूसरा ग्रुप जो है वो समर में जा रहा है. तो इस तरह से क्या एक कंप्लीट माइग्रेशन का प्रोसेस नहीं होता, इसको हम कहते हैं पार्शियल माइग्रेशन. इरेक्टिक माइग्रेशन और वर्गेंट और इरेगुलर और वॉन्डरिंग माइग्रेशन अकर इन द ग्रेट ब्लू हरॉन, कुकूज, थ्रॉस एंड वर्बलर्स. इन सच बर्ड्स आफ्टर ब्रीडिंग एडल्ट एंड यंग मे स्ट्रे फ्रॉम देयर होम टू डिस्पर्स इन ऑल द डायरेक्शन. ठीक है, तो इसमें इरेगुलर है, वॉन्डरिंग है, तो इसमें हम क्या करें कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेफ्टी या फूड के लिए या एनिमल से एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए जो माइग्रेशन है वो इनडेफिनेट है या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे जाएंगे. समटाइम्स हरिकेन टेक द सी बर्ड्स एज फार एज 2,000 miles अवे फ्रॉम द होम सी एंड दे आइदर डाई ड्यू टू एग्जॉशन और ड्यू टू अननोन शोर्स. तो इस तरह के जो माइग्रेशन है जिसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो सडनली भी हो जाते हैं, उसमें हम इरेक्टिक माइग्रेशन में उसको रखा जाता है.
देन सीजनल माइग्रेशन, हर एक बर्ड का अपना अपना ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सीजनल माइग्रेशन होता है. सम ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ द टेम्परेट कंट्रीज हैव क्लासिफाइड माइग्रेटरी बर्ड्स अकॉर्डिंग टू सीजन. दस इन ब्रिटेन स्विफ्ट, स्वेलो, नाइटिंगेल्स एंड कुकूज आर समर विजिटर्स बिकॉज दे अराइव इन स्प्रिंग फ्रॉम द साउथ, रिमेन देयर टू ब्रीड एंड लीव द साउथ इन ऑटम. तो ब्रीडिंग सीजन तक जब उनका ब्रीडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो वापस से अपने लौट के आते हैं, इमाइग्रेशन करते हैं. सम बर्ड्स सच एज फील्ड डेयर, स्नो बंटिंग एंड रेड विंग आर विंटर विजिटर्स. तो अकॉर्डिंग दे आर अराइव इन ऑटम चीफली फ्रॉम द नॉर्थ, स्टे टुगेदर इन थ्रू आउट द विंटर. वाइल सम बर्ड्स सच एज स्नाइप्स एंड सैंड पाइपर्स आर द बर्ड्स ऑफ पासेस सीन फॉर शॉर्ट टाइम ट्वाइस ए ईयर ऑन देयर वे टू कोल्डर एंड वार्मर कंट्रीज इन स्प्रिंग एंड ऑटम. मोड ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप मोड अलग अलग इन टाइम के सेंस में देख सकते हैं, ड्यूरेशन के टाइम पे देख सकते हैं, स्पीड के सेंस में देख सकते हैं, तो देर आर डिफरेंट मोड. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम. डायुरिनल माइग्रेशन हो सकता है या नॉक्टुरल माइग्रेशन हो सकता है. बर्ड्स किस टाइम को प्रिफर करती हैं? कुछ बर्ड्स होती हैं जो दिन में अपनी फ्लाइट करती हैं, जैसे कि क्रोस, स्वेलो, रोबिन्स, ब्लैक बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स, क्रेन्स, ठीक है, गीज, डक्स, स्वान्स, ये सब बर्ड्स जो हैं ये दिन में प्रेफर करते हैं. दे मे स्टॉप टू फॉरजिंग इन फॉरेज इन सुटेबल प्लेस बट स्वेलो एंड स्विफ्ट कैप्चर देयर इंसेक्ट फूड इन द एयर एज दे ट्रेवल. तो दिन के वक्त जब ट्रैवलिंग होती है उसी वक्त वो अपना फीड भी ले लेती हैं. दीज डायुरनल माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफन ट्रेवल इन फ्लॉक्स, ये ग्रुप में रहती हैं. नॉक्टरल माइग्रेंट, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स आर नॉक्टरल माइग्रेंट. दीज इंक्लूड मोस्टली स्मॉल साइज बर्ड्स सच एज स्पैरो, वेबलर्स, थ्रश एक्सेट्रा. द बर्ड्स प्रिफर टू फ्लाई एट नाइट अंडर द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ डार्कनेस टू एस्केप देयर एनिमी फ्रॉम देयर एनिमीज. बाय फ्लाइंग एट नाइट दे अराइव एट द डे ब्रेक, टेक रेस्ट, प्रॉपर फूड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड देन स्टार्ट अगेन अप्रोचिंग टू द नाइट. अगर कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन पे उनको ट्रेवल करना है, ठीक है, उनका डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, तो इसमें क्या करती हैं ये लोग, दिन में रेस्ट करती हैं और रात में अपनी फ्लाइट करती हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम देयर एनिमीज ऑल्सो. रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है. द रेंज ऑफ माइग्रेटरी माइग्रेशन कॉमनली वेरीज फ्रॉम 1 to few miles टू 1000 miles. अलग अलग हो सकती हैं कुछ फ्लाइंग्स में. हम मैं आपके लिए बात करना चाहूँगी. एक्सक्यूज मी, हेलो सर, मेरा वीडियो मिड में है, मैं अभी 10 मिनट में कंप्लीट करके और सबमिट करके आती हूँ. ठीक है, नहीं 10 मिनट में कंप्लीट होगा शायद सर, और फिर मैं इनको कॉपी पेस्ट करा के मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है आ जाऊँगी. ठीक है सर. Arctic tern breed along the coast of Labrador in summer and then migrate to its home destination to the edge of Antarctica in winter, which is about 1000 miles. It again return in the summer to the coast of Labrador, traveling about the same distance. Arctic tern जो है ये एक interesting है क्योंकि ये 11,000 miles जो है ये cover करती हैं. Return वापस summer में जो थी ये वापस return करती हैं. ठीक है, वाइल वाइड स्टॉक ऑफ यूरोपियन माइग्रेंट टू साउथ अफ्रीका इन विंटर टेकिंग ए जर्नी ऑफ अबाउट 8,000 miles. एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट में आ जाता है. सम बर्ड्स Some birds fly quite close to earth, while most routine migration occurs within the 3000 feet of the earth. कितनी ऊंचाई तक ही जा सकती हैं? कुछ birds होती हैं 5000 to 14000 feet altitude तक जा सकती हैं, and Himalayan की range जो होती है 2000 feet और उससे भी ज़्यादा. इस तरह के अलग अलग species में अलग अलग दिखाते हैं. Velocity during migration में आ जाता है. The speed or velocity of flight of migration birds varies from individual to individual. ठीक है, लाइक ड्यूरिंग माइग्रेशन दस क्रेन, कैरेंस एंड क्रोज, फिंचेस फ्लाई विद द स्पीड ऑफ 30 miles per hour, वाइल क्रॉस बिल्स फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ 30 miles per hour. मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्डेड सो फार बाय स्टुअर्ट इज 170 to 200 miles per hour.
birds cover 100 of miles non-stop in a day or a night with an average about 500 miles. They are excellent example how to conserve their energy, how fast they are metabolizing their food. All the things are tremendous, extremely sophisticated, we can say. This process is not usually seen in other animals. Like migratory birds usually fly 5 to 6 hours per day and also take rest in between for drink and food. Golden plover fly non-stop from Hudson Bay and Alaska to South America, covering a distance of 2,400 miles. ये non-stop इनकी flight होती है. Just imagine. Different migratory birds may follow following routes during their migration. Sea route. Marine birds follow sea routes. ठीक है, इसमें रूट अलग अलग उनके हो सकते हैं. सी रूट को फॉलो करते हैं, कुछ कोस्टल रूट्स को फॉलो करते हैं, रिवर वैलीज को होते हैं, कुछ माउंटेन रेंज को फॉलो करते हैं. एक्चुअली उनका अपना एक सर्टेन पॉइंट्स होते हैं नेविगेशन के, कुछ उनके अपने इंस्टिंक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से अपने अपने पर्टिकुलर रूट्स को फॉलो करते हैं. सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन. सम बर्ड्स सच एज किंगफिशर्स, स्विफ्ट्स एंड नाइट हॉक्स ट्रेवल इन separate companies, but certain other birds such as swallow, vultures, bluebirds, turkey, etc. usually travel in mixed companies of several species due to similarities in their size, method of search of food, and in some avian species the male and female individual travel separately. Male arrive first to build the nest and the young birds usually accompany their mother. तो इस तरह से इनमें segregation होता है. अलग अलग birds में normally male जो होते हैं वो first they arrive, नेस्ट बिल्ड करते हैं, और उनके बाद में फिर जो यंग वंस होते हैं वो अपने मदर के साथ थोड़ा लेट पहुंचते हैं. रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन. सेवरल स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स शो ए स्ट्राइकिंगली रेगुलरिटी ईयर आफ्टर ईयर इन द टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर. इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वैगरीज ऑफ वेदर, दे आर ऑफन पंक्चुअल विद इन अ डे और टू इन द टाइम ऑफ अराइवल. ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग माइग्रेशन द बर्ड फॉलो ए डेफिनेट ऑर्डर इन विच इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. नॉर्मली द एडल्ट माइग्रेट फर्स्ट एंड दे फॉलोड द बाय द यंग्स. इट हैज बीन फाउंड दैट अर्ज ऑफ माइग्रेशन अकर ड्यू टू मेच्योरिटी ऑफ गोनार्ड्स. तो जहाँ पे भी माइग्रेशन ब्रीडिंग से रिलेटेड है वहाँ पे क्या होता है, गोनार्ड्स जैसे ही मेच्योर होते हैं माइग्रेशन स्टार्ट होता है. यंग बर्ड्स मोस्टली डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर एडल्ट्स, इनडेड दे मे लीव बिफोर दैम. ठीक है, तो इसमें इंस्टिंक्ट, इसमें इनकी सेल्फ इंस्टिंक्ट होती है जिसकी वजह से इनमें माइग्रेशन होता है. ये माइग्रेशन अपने जनरेशन मतलब अपने एडल्ट से सीखते नहीं है, ये इनकी सेल्फ इंस्टिंक्ट होती है. ड्यूरिंग द रिटर्न फ्लाइट ऑफ ऑर्डर बिकम रिवर्स्ड. द यंग बर्ड स्टार्ट फर्स्ट फॉलो द सेम पाथ इन विच देयर पेरेंट्स हैड फॉलोड वाइल कमिंग फ्रॉम द प्लेस. आपने भी देखा कि हम जो भी मेल होता है वो पहले आते हैं, यंग वंस अपनी मदर के साथ आते हैं, लेकिन जब माइग्रेशन कंप्लीट होता है तो यंग वंस जो होते हैं वो पहले जाते हैं. इवन मतलब कि इन्हें ये चीज़ें ये अपने पेरेंट्स से लर्न नहीं करते हैं. इन एडल्ट प्रिसीडेंस देयर इज ऑलवेज अ डेफिनेट सीक्वेंस. द एडल्ट मेक मेल टेक लीड, एडल्ट फीमेल नेक्स्ट इन ऑर्डर, एंड द बर्ड्स ऑफ द ईयर फॉलो दैम, एंड इन द एंड कम वीक एंड वुडन बाउंडेड बर्ड्स सबसे लास्ट में आते हैं. So this is all about the migration of bird, type of migration and mode of migration. इसके अलावा हमने इसकी definition देखी, flightless migratory और resident birds क्या होती हैं इसके बारे में हमने देखा. Second next जो video होगा उसमें हम इसके causes को देखेंगे, advantages और disadvantages को study करेंगे. Thank you.